नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मोटे से पतले होने के 10 घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे। अगर इस उपाय को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको मोटे से पतला होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आए। हमने पहले भी ऐसी वीडियो बनाकर कई लोगों का फ़ायदा करवाया है और कई लोगों को हमारी वीडियो देखकर फ़ायदा भी हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसे फ़ायदे जिससे आप मोटे से पतला हो सकते हैं। दोस्तों, पहला फ़ायदा है पुदीने की चटनी। पुदीने कई प्रकार से हमारी मदद करता है। जाहिर है पुदीना की चटनी आप भी खाते ही होंगे, लेकिन आपने शायद ही इसके होने वाले फ़ायदों पर गौर किया होगा। इसलिए आपको बता दें, पुदीना की ताज़ी हरी पत्तियां की चटनी और चाय पीने से आपका वज़न कम हो सकता है। गाजर खाने से, अगर आप खाने से पहले गाजर खाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको भूख कम लगेगी, जिस वजह से आपका वज़न कम बढ़ेगा। तीसरा है सौंफ की सहायता से। यदि आधा चम्मच सौंफ आप गिलास में रखते हैं और उसमें पानी रखते हैं और 10 मिनट तक उसे घुलाते हैं तो और उसको ठंडा करने के बाद पीने से आपका वज़न कम हो सकता है। चौथा है पपीते से। पपीते कई तरह से विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही यह हमारे शरीर में अतिरिक्त चर्बी को भी कम करने में मददगार होता है। पाँचवा है दही के द्वारा। दही खाने के महत्व को हमारे देश के लोगों ने प्राचीन काल में ही जान लिया था, इसलिए इसका इस्तेमाल हम आम तौर पर करते रहते हैं। दही के सेवन से आपके शरीर की फालतू चर्बी घट जाती है। इसके लिए आपको छाछ या दही का सेवन दिन में 2-3 बार तो ज़रूर करना चाहिए। छठा है छोटी पीपल। छोटी पीपल कई बीमारियों में आपकी सहायता करती है। इसके लिए आपको इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका वज़न भी कम हो सकता है। सातवां है शक्कर और चावल से परहेज। मोटापा को या पेट को कम करने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको शक्कर और चावल का काफ़ी कम परहेज करना होगा। आपको बता दें कि शक्कर आलू और चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, जिससे फैट होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। आठवां है सोयाबीन और चना मिश्रित आटा। रोटी तो आप भी खाते ही होंगे, लेकिन कमर और पेट को कम करने के लिए आपको गेहूं के आटे की रोटी की जगह गेहूं, सोयाबीन और चने के मिश्रण से तैयार आटे की रोटी खाना होगा, क्योंकि इस दौरान ये ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। नाइन्थ है सब्जियां और फल। यदि आप अपना कमर और पेट कम करना चाहते हैं तो आपको सब्जियां और फलों का नियमित रूप से सेवन करना होगा, क्योंकि इससे कैलोरी की खासी कमी होती है। ये कैलोरी कम मोटापा भी कम करता है। दसवां है आंवला और हल्दी। आंवले और हल्दी की एक समान मात्रा को पीस कर इसका चूर्ण बना लें। इसके बाद इस चूर्ण को छाछ के साथ नियमित रूप से लेते रहे, इससे भी आपका वज़न कम हो सकता है। तो हमने आपको बताया वज़न कम करने के घरेलू उपाय, जिसे आप अगर करोगे, इनमें से अगर कोई 5 चीज़ भी आप करोगे तो आपका वज़न कम हो सकता है। और अगर आपका वज़न कम होता है तो हमारी वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। पिछली वीडियो में भी मनीष कुमार और रूही ने हमारे चैनल पर कमेंट करके हमको थैंक्स कहा था। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको ऐसी लेटेस्ट चीज़ें आपके आगे प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।